सब्सक्राइब कीजिए हिडन ट्रीजर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बाइक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। पहले हम बात करते हैं इसके टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। 18 इंच रिम साइज में स्टाइलिश 6 स्पोक एलॉय व्हील के साथ MRF ट्यूब टायर इसमें दिया गया है। इसके फ्रंट टायर 18 इंच एट 2.75 एंड रियर टायर 18 इंच एट 100/90 वाइडर रियर ट्यूब टायर इसमें दिया गया है। बात करते हैं इसके टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। 17 इंच रिम साइज में स्टाइलिश 6 स्पोक एलॉय व्हील के साथ MRF ट्यूबलेस टायर इसमें दिया गया है। इसके फ्रंट टायर 17 इंच एट 80/100 एंड रियर टायर 17 इंच एट 110/80 वाइडर रियर ट्यूबलेस टायर इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। अब आते हैं इसके ब्रेक्स में। ए बाइक डिस्क एंड ड्रम दोनों ब्रेक वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज है 240 mm एंड रियर ड्रम ब्रेक का साइज है 130 mm। अब आते हैं इसके ब्रेक्स में। ए बाइक डिस्क एंड ड्रम दोनों ब्रेक वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज है 240 mm एंड रियर ड्रम ब्रेक का साइज है 130 mm विथ CBS। एंड फाइनली द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ दिस बाइक इंजिन 162.71 cc 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड कार्बोरेटर टाइप SI BS4 कॉम्प्लाइंट इंजिन इसमें दिया गया है। इंजन का मैक्सिमम पावर 13.82 bhp एट द रेट 8000 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क 13.92 न्यूट्रॉन मीटर्स एट द रेट 6000 rpm। 5 स्पीड 1 डाउन एंड 4 अप मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का टॉप स्पीड है 106 किलोमीटर पर आवर। सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है।
इस बाइक में 0 टू 60 स्पीड 4.82 सेकंड्स में मिलता है। एंड फाइनली द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दिस बाइक इंजन 149.2 सीसी 4 स्ट्रोक 2 वेल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड कार्बोरेटर टाइप SI BS4 कॉम्प्लाइंट इंजन इसमें दिया गया है। इंजन का मैक्सिमम पावर 12.73 bhp एट द रेट 8000 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क 12.80 न्यूट्रॉन मीटर्स एट द रेट 5500 rpm। 5 स्पीड 1 डाउन एंड 4 अप मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का टॉप स्पीड है 101 किलोमीटर पर आवर। सेल्फ स्टार्ट एंड किक स्टार्ट इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है। इस बाइक में 0 टू 60 स्पीड 6.05 सेकंड्स एंड 0 टू 100 स्पीड 18.97 सेकंड्स में मिलेगा। एंड नाउ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस बाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें फुल्ली एनालॉग इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर टैकोमीटर फ्यूल बार इंडिकेटर ओडोमीटर ट्रिप मीटर इस बाइक में देखने को मिलेगा और बहुत सारी कॉमन इंडिकेटर भी इसके अंदर दिया गया है। एंड नाउ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस बाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें फुल्ली डिजिटल इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर टैकोमीटर ओडोमीटर टू ट्रिप मीटर फ्यूल बार इंडिकेटर टाइम इंडिकेटर इस बाइक में देखने को मिलेगा और बहुत सारी कॉमन इंडिकेटर भी इसके अंदर दिया गया है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स और इसका जो माइलेज क्लेम किया है एवरेज 40 टू 50 किलोमीटर पर लीटर। बाइक का माइलेज राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स और इसका जो माइलेज क्लेम किया है एवरेज 45 टू 55 किलोमीटर पर लीटर। बाइक का माइलेज राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्साइटिंग न्यू स्टाइल विथ 3D विंग मार्क एम्ब्लेम के साथ एरोडायनामिक फ्रंट वाइजर देखने को मिलेगा। इसमें लॉन्ग वाइड एंड सिंगल सीट दिया गया है। इसका जो सीट क्वालिटी है वो बहुत ही स्पेसियस और सॉफ्ट है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल एंड नॉर्मल सिटिंग पोस्चर इस बाइक में आपको मिलेगा। इसका सिटी राइडिंग के लिए ग्राउंड क्लियरेंस है 179 mm एंड इसका व्हील बेस है 1336 mm। एक्साइटिंग न्यू बॉडी ग्राफिक्स डिज़ाइन विथ लार्ज फ्यूल टैंक विथ न्यू एरोडायनामिक फ्रंट वाइजर देखने को मिलेगा। इसमें लॉन्ग वाइड एंड सिंगल सीट दिया गया है। इसका जो सीट क्वालिटी है वो बहुत ही स्पेसियस और सॉफ्ट है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल एंड नॉर्मल सिटिंग पोस्चर इस बाइक में आपको मिलेगा। इसका सिटी राइडिंग के लिए ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm एंड इसका व्हील बेस है 1324 mm। इसमें 12 वोल्ट का मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ 35 वाट का हैलोजन पायलट हेडलैम्प विथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन सिस्टम के साथ साइड इंडिकेटर लैम्प एंड टेल लैम्प मिलेगा। इस बाइक का कार्ब वेट है 134 kg। ये बाइक 5 कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट में अवेलेबल है। इसमें 12 वोल्ट का मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ 35 वाट का हैलोजन पायलट हेडलैम्प विथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन सिस्टम के साथ साइड इंडिकेटर लैम्प एंड टेल लैम्प मिलेगा। इस बाइक का कार्ब वेट है 145 kg। ये बाइक 3 कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट में अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। कोलकाता में
2018 एडिशन होंडा सीवी यूनिकॉर्न 150 BS4 मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 73,139 रुपीज़ ओनली। बाइक का प्राइस शोरूम एंड स्टेट वाइज वेरी करता है। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। कोलकाता में 2018 एडिशन होंडा सीवी यूनिकॉर्न 160 BS4 मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 76,390 रुपीज़ ओनली विथ डिस्क वेरिएंट एंड 78,838 रुपीज़ ओनली विथ CBS वेरिएंट। बाइक का प्राइस शोरूम एंड स्टेट वाइज वेरी करता है।